हेलो, नमस्ते बेटा। आप कैसे हो? सभी का हार्दिक अभिनंदन एट एजीएफ एकेडमी। आज अपन नेक्स्ट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। कल अपन ने वेक्टर पढ़ा था और वेक्टर के अंदर अपन ने एडिशन तक पढ़ लिया था। एडिशन के ऊपर अब क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कल दो आपने रूल्स पढ़े थे, एक ट्रायंगल रूल्स, एक पैरेललोग्राम, त्रिभुज का नियम और समांतर चतुर्भुज का नियम। अब अपन इसकी सहायता से आपने रिजल्टेंट परिणामी सदिश का फॉर्मूला ज्ञात कर लिया था। आज अपन उसके ऊपर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो ध्यान से देखिए बेटा, मुद्दे वाली बात क्या है। पहला आपके पास में क्वेश्चन ड्राइव आपने कर चुके थे कि जब आपके पास में दो वेक्टर गिवन हो और दो वेक्टर जब आपके पास गिवन हो और उनका परिणामी जो रिजल्टेंट है उसका फॉर्मूला आपके पास में आया था, आर इक्वल्स टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टू पी क्यू कोस थीटा। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला अपन को लर्न रखना है, इसको बार बार यूज लेना है। काफी क्वेश्चंस के अंदर ये फॉर्मूला आएगा, तो ध्यान से समझे बेटा। ठीक है, चलो अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बल 2 न्यूटन और 3 न्यूटन के मध्य कोण क्या होना चाहिए जिससे परिणामी बल 4 न्यूटन हो। आपके पास में दो वेक्टर है, उन दोनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड फॉर्म आपको गिवन है और मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या गिवन है, दो फोर्स गिवन है, एक 2 न्यूटन का है और दूसरा क्या है 3 न्यूटन का। अगर इनका रिजल्टेंट परिणामी सदिश 4 न्यूटन हो तो बताइए इनके मध्य कोण क्या होगा। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन सोल्व करते हैं फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में क्या गिवन है, टू फोर्स गिवन है। सपोज दैट F1 इक्वल्स टू 2 न्यूटन, F2 इक्वल्स टू 3 न्यूटन और क्या गिवन है, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट को किससे व्यक्त करते हैं, R से। ठीक है, तो आपको R कितना गिवन है, 4 न्यूटन। पूछा क्या है अपन को क्वेश्चंस के अंदर, क्वेश्चंस में पूछा है एंगल थीटा। तो आपके पास में दो वेक्टर है, उनका मैग्नीट्यूड आपको गिवन है, रिजल्टेंट गिवन है, एंगल पूछा है। तो आपने पढ़ा है फॉर्मूला, वी नो दैट रिजल्टेंट R इक्वल्स टू रूट क्या हो जाएगा, वहां पर अपन ने पास वेक्टर को क्या मान लेते पी क्यू, यहां पर वेक्टर किसमें फोर्स के रूप में दे रखा है, एक को F1 दूसरे को क्या मान लिया आपने F2। तो क्या हो जाएगा बेटा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। ठीक है, तो अब अपने पास में यहां से देखो गिवन क्या क्या है, रिजल्टेंट गिवन है, फोर्स गिवन है, एंगल अपन को फाइंड करना है, आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो चलो इसका पहले रूट हटा देता हूं मैं, तो इधर स्क्वायर कर दूं तो ये लो क्या हो जाएगा, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस थीटा। अब अपने पास में जो गिवन है वो वैल्यूज पुट कर दो, तो अपने पास जो वैल्यूज गिवन है उसकी क्या हो गई, आपके पास R की वैल्यू कितनी है 4 न्यूटन, 4 का स्क्वायर, F1 कितना है 2 न्यूटन, 2 का स्क्वायर। ठीक है, F2 कितना है अपने पास में 3 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 कोस थीटा। थीटा अपन को क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो बेटा, 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर 16, 2 का 4, 3 का 9, ये कितना हो जाएगा 6 और 12 है कोस थीटा। कितना हो जाएगा, ये दोनों एडिशन करेंगे तो 16 इक्वल्स टू अपने पास क्या आ गया, कितना हो जाएगा 13 प्लस 12 है कोस थीटा। 13 को इधर करोगे तो क्या आ जाएगा, -13 12 है कोस थीटा। अपने पास क्या बचा, 16 में से 3 गया 3, 12 है कोस थीटा। आपके पास में क्या आ गया, यहाँ पर 3/12 है इक्वल्स टू कोस थीटा। कितनी बार चला जाएगा आपके पास में ये, तो अपने पास जो थीटा है, थीटा की वैल्यू चाहिए थी, तो थीटा क्या हो जाएगा अपने पास, कोस थीटा इक्वल्स टू आपके पास आ गया 3y/12 है, तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये लो कोस इनवर्स 3y/12 है।
थीटा की वैल्यूज आपको पूछी थी, वो थीटा आपने फाइंड कर दिया। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आपके आते हैं वो क्वेश्चंस अपन ने क्या किए हैं, सोल्व किए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना क्वेश्चंस क्या कह रहा था, वापिस एक्सप्लेन कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चंस को दो फोर्स आपको गिवन है और उसका रिजल्टेंट आपको गिवन है, उनके मध्य एंगल पूछा है। तो अगर आपके पास ये फॉर्मूला रहा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये है, इसमें दोनों फोर्स आपके पास गिवन है, रिजल्टेंट गिवन है, एंगल पूछा, तो वैल्यूज पुट करके अपन ने क्या कर लिया, इसको सोल्व कर लिया और आराम से अपन ने इसको क्या कर लिया, आंसर निकाल लिया। ठीक है बेटा, ओके, टेक स्क्रीनशॉट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चलो अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चंस के ऊपर। सेकेंड क्वेश्चंस क्या कह रहा है, दो मोलों के परिणामों का अनुपात 3:5 है। कितना है, 3:5। यदि दोनों सदिशों के मध्य कोण 60 डिग्री है तो प्रत्येक बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। आपके पास में दो बलों के परिमाण आपको गिवन है, तो आपको क्या निकालना है, उनके मध्य कोण भी दे रखा है, तो प्रत्येक बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इसको रब कर देता हूं। ओके, ये लो, चलो ठीक है। तो अब अपन सेकेंड क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास दो बलों के परिणामों का अनुपात रेशियो गिवन है आपके पास में, ठीक है, और एंगल दे दिया, और अब अपन को उनका मैग्नीट्यूड निकालना है। पहले आपके पास में देखो कितने थे फोर्स बल, ये दोनों डायरेक्ट गिवन थे मैग्नीट्यूड फॉर्म में, और रिजल्टेंट दे दिया था, एंगल पूछा था। अब इस क्वेश्चन में रेशियो में दे दिया, तो आपको पता है, सपोज दैट आपने मान लिया कि आपके जो दो बल है, माना बल F1 व F2 है, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा, F1/F2 कितना दे दिया आपके पास, 3/5। ठीक है, अब अपन के पास में क्या करते हैं, यहां से F1 की वैल्यूज निकाल लेते हैं, तो F1 तो F2 उधर क्या हो गया, मल्टीप्लाई, तो 3/5 कितना हो गया, F2। अब अपन को और क्या गिवन है, और गिवन है एंगल थीटा, क्या क्या है, थीटा, तो थीटा आपके पास कितना है गिवन, तो यहां पर लिख लो, थीटा गिवन है अपने पास में 60 डिग्री, क्या है, 60 डिग्री। अब अपन को क्या करना है, प्रत्येक बल का परिमाण ज्ञात करना है, ठीक है, रिजल्टेंट, तो R आपके पास में क्या हो जाएगा, परिणामी बल, तो R इक्वल्स टू आपके पास क्या है फॉर्मूला, R इक्वल्स टू रूट, अपन ने फोर्स को किसको माना है, F1 F2, तो क्या हो गया बेटा, F1 square F2 square 2F1 F2 cos थीटा। क्लियर है, F1 और F2 की वैल्यू अपन क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। F1 की वैल्यू अपन ने निकाल ली 3/5 F2, ये वैल्यू अपन यहां पर क्या कर देते हैं, पुट। चलो बेटा ठीक है, करते हैं, तो F2 की अगर अपन वैल्यू पुट करें तो क्या हो जाएगा, F1 की F1 की कितनी है, 3/5 F2 का होल स्क्वायर प्लस F2 का होल स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अगर इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, R इक्वल्स टू रूट 3 का क्या हो जाएगा अपने पास, 9/5 का क्या हो जाएगा, 25F2 का स्क्वायर प्लस F2 प्लस, यहां पर भी रखना पड़ेगा F1 की वैल्यू, और F1 की वैल्यू कितनी थी वो अपन यहां पर भी पुट करते हैं, तो क्या हो जाएगा अपने पास, F1 3/5 F2 cos थीटा।
तो कितना हो जाएगा अपने पास में ये, और थीटा की भी वैल्यू अपन को गिवन है, वो कितनी है 60 डिग्री। ठीक है, तो चलो कितना हो गया 2 3/5 F2 का क्या हो गया स्क्वायर। ठीक है, cos 60 की क्या वैल्यू होती है ये अपन को पता होना चाहिए, cos 60 इक्वल्स टू 1/2। तो अपने पास वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, क्या बचा है अपने पास R इक्वल्स टू √9/25 F2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 3/5 F2 का स्क्वायर। ठीक है, अब सभी जो टर्म है वो F2 की है, तो अपन इसको सभी का क्या कर सकते हैं एडिशन कर सकते हैं। तो यहाँ एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या ले लिया अपन ने 25, क्या ले लिया 25। तो सपोज दैट 25 आपने एलसीएम लिया तो कितना आएगा यहाँ, तो 9F2 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ जाएगा 25 F2 का स्क्वायर, इधर अपने पास में क्या आ जाएगा 15 F2 का स्क्वायर, ऊपर को एडिशन कर दो 25 और 15 कितने हो गए अपने पास 49 हो गए गुण 50। तो R इक्वल्स टू क्या हो गया √49 F2 का स्क्वायर अपॉन 25। अब ये कंप्लीट के रूट है, किसके है कंप्लीट के, तो ये कंप्लीट के रूट है तो F2 का तो स्क्वायर हटेगा, तो ओनली फॉर रूट हटेगा F2 बचेगा, 49 का क्या हो गया 7, 25 का क्या हो गया अपने पास में 25 है उसका क्या हो गया आपके पास में 5। तो R अपने पास में क्या आ गया R इक्वल्स टू 49 का क्या हो जाएगा 7/5 F2। ठीक है, अपन को F2 की वैल्यू निकालनी है। यहां पर आपके पास में जो क्वेश्चंस है इस क्वेश्चंस के अंदर इनका परिणामी बल भी दिया हुआ है, और वो दोनों सदिशों के मध्य क्वेश्चंस के अंदर परिणामी बल है वो इसमें नोट नहीं किया, वो गिवन है आपके सपोज दैट 35 गिवन है बेटा। ठीक है, गिवन है तो आपके पास में क्या हो जाएगा, अगर ये गिवन नहीं हो तो आपके पास जो F2 की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी F2 इक्वल्स टू R 5/7। ठीक है, अब आपने F2 की वैल्यू फाइंड कर ली और F1 की वैल्यू है वो F2 की वैल्यू पर डिपेंड है, अगर ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट करते हो तो F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आपके पास F1 इक्वल्स टू 3/5 F2 क्या है R 5/7। अब R अगर क्वेश्चंस में गिवन है 35 सपोज दैट, तो मैं अगर यहाँ पर 35 पुट करता हूँ तो यहाँ पर अपने पास में F2 क्या बच जाएगा, F2 हो जाएगा 35 × 5/7। तो F2 इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा अपने पास 5 से चला गया 25 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद में अगर F2 की वैल्यू 25 आई है या तो वैसे निकाल लो या डायरेक्ट यहाँ पर भी क्या पुट कर दो 35 × 35 5/7, 5 से 25 कैंसिल आउट, तो F1 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 15 न्यूटन। तो आपने क्या पूछा है प्रत्येक बल का परिणामी बल क्या होगा, तो एक बल तो आएगा 15 न्यूटन, एक बल आपके पास में क्या आ जाएगा 25 न्यूटन। ध्यान दें इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है आपके पास में R = 35। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्यों F1 की वैल्यू, ये मैंने इंडिविजुअल इसलिए रखा है कि यहां से एक लाइन आपके मिस कर दी थी मैंने, वो इसलिए की कि अगर ये गिवन होती तो डायरेक्ट सीधा सीधा अपने आंसर आ जाता, ये R मैंने बताया, अगर यहां पर कुछ रेशियो चेंज कर दे तो आपके जो ये प्रत्येक बल है ये वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगा रिजल्टेंट। अब अगर ये 35 है तब तो आपके पास में क्या आ जाएगा
आएगा 15 न्यूटन और 25। अगर इसकी वैल्यू 14 न्यूटन हो तो उसके अकॉर्डिंग अपने पास में वैल्यूज आ जाएगी। ये अपन ने क्वेश्चन सोल्व कर लिया। अगर आपके पास में दो फोर्स है, उनका मैग्नीट्यूड फॉर्म में रेशियो दे रखा है, तो उनके इंडिविजुअल फोर्स की वैल्यू मैग्नीट्यूड फॉर्म में क्या होगी? वो होगी आपके पास 15 न्यूटन और दूसरी क्या हो गई 25 न्यूटन। ठीक है बेटा, ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट। आई थिंक आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा है। कोई भी प्रॉब्लम हो, आप डाउट या आपके कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हो। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो बल 3P और 2P का परिणामी बल R है। क्या है? परिणामी बल R। यदि दो बार टाइप हो गया, यदि पहले बल को दो गुना कर दिया जाए तो परिणामी भी आपके दुगुना हो जाता है, तो बलों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, आज की क्वेश्चंस के आपकी आज की इस क्लास के अंदर ओनली फॉर अपन वेक्टर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो ही सोल्व करेंगे। इस क्लास को ओनली फॉर क्वेश्चन बेस्ड ही क्लास रखी गई है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। क्या हो रहा है भैया, पीछे आराम से पढ़ रहे हो? ऐसा नहीं कहीं मोबाइल ऑफ करके मजे ले रहे हो, कोई गेम वेम खेल रहे हो? क्लास को कंटिन्यू रखे बेटा। एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है आपको लर्न और पढ़ाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए, तो ध्यान रहे, इसका नाजायज फायदा ना उठाएं। बढ़िया घर पे मोबाइल से पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। बहुत अच्छे से समझाया जा रहा है, आपको फील नहीं होने दिया जा रहा है कि आप क्लास में बैठे हो या जैसे क्लास में आपको स्टडी मिल रही है वैसी आपको घर के ऊपर मिल रही है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। दो बल 3P और 2P का परिणामी बल R है, यदि पहले बल को दुगुना कर दिया जाए तो परिणामी भी दुगुना हो जाता है, तो दो बलों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है? थर्ड क्वेश्चन आपको गिवन है, दो फोर्स, आपका पहला फोर्स F1 है वो है 3P और दूसरा आपके पास F2 है वो क्या गिवन है 2P। ठीक है, और इसका रिजल्टेंट